हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है हमारे पास एक डीसी पावर सप्लाई मशीन जो कि आज के टेक्नीशियन के लिए जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में है एक अच्छी डीसी पावर सप्लाई मशीन उनके पास होना चाहिए अगर वे एडवांस लेवल का काम करते हैं तो। ये दोस्तों डीसी मशीन जो है एक कोराड कंपनी की KA3005D है जो कि 30 वोल्ट से 5 एम्पियर तक हमको करेंट जनरेट करके देती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक अच्छा और बेहतरीन डीसी मशीन खोज रहे हैं या फिर आपको ज़रूरत है और ज़रूरत हो भी क्यों ना क्योंकि आपको, तो दोस्तों कल दीपावली है और इस दीपावली के उपलक्ष्य में हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और चलिए इस मशीन के बारे में हम लोग अधिक जानते हैं कि इसे आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका पावर ऑन ऑफ स्विच है। इस मशीन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका पावर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिख रहे हैं और इन बटन्स का क्या यूज है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बटन है हमारा M1, M2, M3 और M4। इन बटन्स का यूज दोस्तों अलग अलग वोल्टेज को सेट करने के लिए होता है। जैसे कि M1 हमने प्रेस किया और M1 पे हमको कितना वोल्टेज है, 4.2 वोल्ट सेट है, 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर, क्योंकि हमको फ़ोन को ऑन करने के लिए 4.2 वोल्टेज पे ही सेट करना पड़ता है डीसी मशीन को। वैसे तो फ़ोन हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक होता है ऑन होने के लिए। अब देखिए, हमने जैसे कि M1 बटन प्रेस किया, M1 पे हमारा 4.2 वोल्ट ऑलरेडी सेट है, तो हम डायरेक्ट इसमें केबल लगा के और 4.2 वोल्ट हम अपना यूज कर लेंगे। अब M2 आया। अब देखिए दोस्तों, M2 जैसे हमने प्रेस किया, यहाँ पे 12 पॉइंट कुछ वोल्टेज सेट है जो कि 12.2 वोल्टेज बहुत ही अधिक होता है, किसी भी फ़ोन को हानि पहुँचा सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4.2 वोल्टेज M1 में था और हो सकता है हमें ज़रूरत लगे शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए, तो हम थोड़ा अधिक वोल्टेज करना चाहें तो M2 में तो 12 वोल्ट है, तो इसे हम लोग चेंज करके कम वोल्टेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वोल्टेज करंट का बटन है, वोल्टेज करंट का बटन एक बार दबाएंगे और यहाँ पे हमारा ब्लिंक कर रहा है। अब अगर आपको इस साइड का चेंज करना है, जैसे यहाँ दबाएंगे और ये ब्लिंक कर रहा है, देखिए ये साइड चेंज करने के लिए है, कितना एम्पियर, कितना वोल्टेज, कितना करंट चाहिए। अब इसके बाद हम लोग इस की को घुमाते जाएंगे। अभी देखिए, हमने इस साइड करके की घुमाया, डायरेक्ट 2 वोल्ट सेट हो गया, और इस तरफ से की करके घुमा देंगे तो हमारा वोल्टेज बढ़ने लगेगा, जैसा कि बढ़ रहा है। तो चलिए, जैसे मैंने 5 वोल्ट यहाँ पे सेट कर दिया, अब इसे सेव करने के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे करेंट वोल्टेज प्लस आउटपुट वोल्टेज दोनों की जो इंडिकेशन है हाईलाइट हो जाएगी, तो आप समझ जाइए कि हमें यहाँ पे फिक्स 5.5 वोल्ट की आउटपुटिंग मिलेगी। अगर आप सेट करके ऑन ऑफ बटन प्रेस नहीं करते तो ये वोल्टेज अप्लाई नहीं होता और फिर ये हमारा फ़ोन पे अप्लाई नहीं होता, करेंट यहाँ पे आउटपुट नहीं करेगी। कब तक? जब तक यहाँ पे आउटपुट और करेंट वोल्टेज का सिग्नल जनरेट नहीं हो जाता है। अब दोस्तों, सेम हमारा M3 भी है। M3 पे हमें जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी सेम M3 पे वोल्टेज करेंगे और यहाँ से क्लिक करके और हम उस वोल्टेज को कम कर सकते हैं जितने भी हमारे फ़ोन की वोल्टेज को ज़रूरत होगा, या उस समय जिस समय हमें काम करते वक्त जितने वोल्टेज की जहाँ पे ज़रूरत होगी। हमने एक बार में सेट कर लिया, अब इसे ऑन ऑफ दबा देंगे और सेम वोल्टेज M4 में भी है, तो M4 में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसका ज़रूरत क्या पड़ता है? जैसे मान लीजिए आपने एक बार वोल्टेज को सेट करके रख लिया और आपको अचानक से फ़ोन को ऑन करना हुआ, M1 प्रेस किए और ऑन ऑफ प्रेस किए, यहाँ पे हमारा करंट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की इंडिकेशन ऑन हुई और हमें 4.2 वोल्ट प्रॉपर सप्लाई मिलेगी M1 पे। अब अगर आपको ज़रूरत हुआ कि हमें बैटरी बूस्ट करना है या शॉर्टिंग हटाना है, आपने डायरेक्ट M2 प्रेस किए और पावर ऑन ऑफ प्रेस किए, हमारी तुरंत वोल्टेज सेट है, यानी कि हम एक बार सेट करके फटाफट किसी भी काम को कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये हमारा लॉक बटन OCP और OVP करंट क्या होता है।
OVP का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और OCP का मतलब ओवर करेंट प्रोटेक्शन, दोनों इसमें दिया है। मैं अभी आपको उन सब के बारे में भी बताऊंगा A to Z। अब यहाँ पे देखिए लॉक और अनलॉक का बटन है। अब ये लॉक और अनलॉक का बटन क्या करता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए जैसे हमने M1 पे प्रेस किया तो हमारा 4.2 वोल्टेज है, और हमने ऑन ऑफ दबा दिया, यहाँ पे हमारा करंट आउटपुट होने लगा। अब गलती से हमारा कोई बटन A दब गया तो यहाँ पे 6 वोल्टेज हो जाएगा, तो हमें हो सकता है कि यहाँ पे करंट अधिक आने लगे। लेकिन ये ऑन ऑफ बटन, ये जो हमारा लॉक बटन है, इस लॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे, मशीन एक बार साउंड करेगी और ये हमारा लॉक हो जाएगा। ये देखिए, फिर आप कोई सा भी बटन दबाते रहिए, कोई भी फर्क इसे नहीं पड़ेगा, हमारा करंट इतना पे लॉक हो गया। वापस से इसे अनलॉक करने के लिए इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक, इसके बाद ये दोबारा से अनलॉक हो जाएगा। अब ये OCP और OVP क्या है दोस्तों? जैसे कि हमारा 4.2 वोल्टेज है और हमारा देखिए OVP और OCP, उसके समझाने के लिए हम इसमें सबसे हमें यहाँ पे बूट केबल इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम बूट केबल यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। और अब देखिए सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक करते हैं कि यहाँ पे 4.2 वोल्टेज हमने सेट किया है तो आउटपुट में क्या करता है। जैसे ही हम एक बार प्रेस करते हैं और देखिए यहाँ पे हम बूट केबल में इसके लगाते हैं और फिर हमें वोल्टेज क्या आउटपुट में मिलती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो करंट का वोल्टेज है वो फिक्स 4.2 वोल्टेज मिल रही है, 4.219 कर रहा है ये, यानी कि एक्यूरेट वोल्टेज हमें मिल रही है। जितना हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है उतना पे ही हमने सेट, हमें यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रही है। अब देखिए OVP और OCP हमारा ऑन अभी तक नहीं है, नहीं तो यहाँ का इंडिकेशन ऑन हो जाता। अगर इस टाइप में हम फोन में अगर शॉर्टिंग होगी हम लगाएंगे तो हमारा देखिएगा क्या होता है। जैसे ही फ़ोन हमारा फुल शॉर्ट होगा और हमने करंट दिया, यहाँ पे देखिए सीधा हमारा वोल्टेज कितना उठा लिया, एम्पियर देख रहे हैं सीधा। और अगर यहाँ पे OVP और OCP दोनों को ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों ऑन है, और पावर ऑन ऑफ प्रेस करते हैं, देखिए इंडिकेशन ऑन है। और अब अगर हम शॉर्ट कराते हैं तो सीधा कट ऑफ हो जाएगा, सीधा देख रहे हैं, कोई सा भी यहाँ पे ये नहीं है, सीधा कट ऑफ, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा। ये हमारे डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो आई होप कि मैंने आपको इस मशीन को यूज करने का पूरा तरीका बता दिया है, और ये मशीन आज भी इतना पॉपुलर क्यों है ये आप इसे यूज करने के बाद ही जान पाएंगे। और दोस्तों ये मशीन ज़्यादा साउंड नहीं करती, जैसा कि मैं यहाँ पे लाइव जो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसमें कोई भी वॉइस ओवर नहीं है। तो ये है मशीन, और आप अगर यूज करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, बाय कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे ये मशीन अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए ये मशीन के बारे में बता दिया। बाकी जैसे आपकी मर्जी, मार्केट में इससे भी बेहतरीन और अच्छी मशीनें आती हैं, लेकिन कम और बजट रेंज में ये मशीन काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।